सोना मत हाथ में लेके, कोई लेके जाएगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरा आना मत कंप्लेंट करने के लिए। तो यार आप सभी का स्वागत है एक और नई जर्नी में। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है भोपाल जंक्शन से लेके वास्को डी गामा गोवा तक। तो आइए चलते हैं पहले अंदर और उसके बाद गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं 12780 गोवा एक्सप्रेस से, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से दोपहर के 3 बजे खुलती है और ये तीसरे दिन वास्को डी गामा सुबह 7 बजे पहुंचती है। तो ये ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके वास्को डी गामा तक का अपना सफ़र 39 आवर्स 30 मिनट्स में पूरा करती है और इसी दौरान ये ट्रेन 2201 किलोमीटर्स का डिस्टेंस भी पूरा करती है। दिस इज़ वन ऑफ द डेली ट्रेन विच पासिस थ्रू द दूधसागर फॉल वाया द ब्रगंजा घाट। इस गाड़ी में आपको पैंटिक की सर्विस मिल जाएगी। तो हमारी ट्रेन का यहाँ पर अराइवल है 2:35 का और यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर लेगी 2:45 पे। तो भाई मैं आपको बता दूं, आज हम अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आज मैं अपने स्कूल के पुराने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूं गोवा तक। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये अमृतांश, अमरदीप, कनिष्क, कवानशु, पराग। तो भाई अभी हम लोग वेटिंग हॉल से आ चुके हैं बाहर, क्योंकि हमारी भी ट्रेन का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 2:30 हो गया है। 2:35 पे गोवा एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल है और मैंने सुना कि ट्रेन 13 मिनट डिले चल रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ट्रेन का अराइवल, ट्रेन बोर्ड करते हैं, उसके बाद डिपार्चर कैप्चर करते हैं। चलो भाई फाइनली गोवा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है कि नहीं? हर्षोल्लास की लहर उठ गई हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। चलो भाई कुछ नारे वारे लगाने हैं, कुछ करना है। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। बस 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 बस, अभी आरपीएफ आ जाएगी ना, अभी आरपीएफ आ जाएगी ना तो खूब पिछवाड़े पे डंडी डंडे बजा देगी। भाई हमारी ये है, हमारी 33, 34, 35 अपर मिडिल और लोअर है और यहाँ की एक 36 है। ना मत हाथ में लेके, कोई लेके जाएगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरा आना मत कंप्लेंट करने के लिए। ये तो भाई मेरा बिस्तर लग गया है, तो मैंने लगा लिया, साथ ही साथ अभी देख सकते हैं एयर पिलो है तो आप देखें होंगे 100 रुपये की मिल जाती है स्टेशन से, लीजिए हवा भर की बढ़िया तकिए बना के सो जाइए। और वही नंबर और उनका परेशान कर डालिए। वास्को डी गामा सुपर फास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म। यार अभी बजे हैं सुबह के 4:30, हमारी वास्को हज़रत निज़ामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस आ चुकी है इटारसी जंक्शन, यहाँ पे रहने वाला है हमारा 5 मिनट का होल्ड और 5 मिनट बाद हमारी गाड़ी यहाँ से फिर से डिपार्ट करेगी। The next morning. So यार गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपको अभी बता दूं कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा था, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो अभी हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो भी स्टेशन आएगा उसे कवर करेंगे। अमृतांश ने मंगाई थी यार ये थाली, इसमें आप देख सकते हैं ये दाल नहीं, ये पनीर है, ये भिंडी की सब्ज़ी है, ये छोटी कचौड़ी है, ये चूरमा है शायद है ना, और ये चावल है, और बाकी रोटी और सलाद उस पैकेट में रखा हुआ है। तो उसको यार खा लेते हैं, भूख बहुत लग रही है, नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं है, उसके बाद बात करेंगे।
11:25 और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है मनमाड़ जंक्शन। यहाँ पे होने वाला है हमारा 5 मिनट का स्टॉप और 11:30 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्ट करेगी। दो तीन घंटे का ब्लॉग बनाने क्या अभी वो कट करेगा ना सबसे दोपहर के 3:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दौंड जंक्शन। दौंड जंक्शन के बारे में मैं आपको एक नई चीज़ बता दूं, पहले जैसे आप देख सकते हैं ट्रेन यहां से मुड़ते हुए आई है, पहले यही ट्रेन उधर जाती थी, दौंड का एक स्टेशन उस साइड भी है, पहले ट्रेन उधर जाती थी और वहां से रिवर्स होती थी, बट यहां पे अब ट्रेन रिवर्स ना होकर यहां से डायरेक्ट पुणे की तरफ कटेगी। एक बार किसी के मैटर हो गया कहीं तो उसकी उधर चला गया ताने में, तो कहूँ भाई मैं अच्छा स्टोरेज है भाई तुम्हारे पास यार। तो अभी बजे हैं 5:15 और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है पुणे जंक्शन। यहाँ पे रहने वाला है हमारा 10 मिनट का होल्ट और 10 मिनट के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्ट करेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ से होगा लोको रिवर्सल, अब इलेक्ट्रिक लोको यहाँ तक लेके आया हमें, अब यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी डीजल लोको से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कपलिंग दिखा सकूँ। तो भाई हमारी गाड़ी को पुणे जंक्शन से लेके वास्को डी गामा तक लेके जाने वाला है वाराणसी शेड का WDP 4D। अभी बजे हैं 8:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 17। पुणे के बाद से पहला स्टॉप है एंड अब देखते हैं यहां से अगला स्टॉप कहां रहता है। वैसे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अभी खाना वाना खा के सो जाऊंगा 10 बजे तक एंड कल सुबह मैं आपको डायरेक्ट वास्को में ही मिलूंगा या फिर हो सकता है मैं 5 बजे आपको मडगांव पे मिलूं। तो आइए चलते हैं, अभी पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो भाई हमने लिए पेंट्री कार की चिकन बिरयानी, चिकन अच्छा पका था, साथ ही साथ चावल भी अच्छे पके हैं, स्पाइसेस सब इसमें अच्छे हैं, सही हिसाब में डले हैं। तो भाई ये अमृतांश की मम्मी ने हमें पराठा और सब्जी रख दी थी, तो अभी हम लोग खा रहे हैं भिंडी और पराठे का, तो भाई कॉम्बिनेशन ही आइकॉनिक है। क्यों हाँ भाई, आंटी को थैंक यू बोल दो यार, सबके सब इतना बढ़िया खाना रखा। अभी बच गए हैं 12 और 2 अप्रैल लग गई है, 2 अप्रैल हमारे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि आज है हमारे भाई अमृतांश का बर्थडे। अरे 19 क्यों गए, हैप्पी बर्थडे अमृतांश भाई। तो आइए पहले हम केक काट लेते हैं फटाक से, ये बहुत स्पेशल होने वाला है यार, इस समय आज हम ट्रेन में केक काट रहे हैं, तो आइए पहले केक काट लेते हैं इसका भाई का, उसके बाद बात करेंगे। रात के 12 बजे यहाँ पे केक खा रहे हैं अमृतांश के बर्थडे का और हमारे ब्लॉगर हग रहे हैं। हमने हगा तभी तो आप एग्जिस्ट करते हैं।
5 minutes later. तो यार अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मडगांव स्टेशन हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है और इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन वास्को डी गामा। सो आइए चलते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप रहेगा, 5 मिनट बाद गाड़ी हमारी यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो आइए चलते हैं सीट पर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, गाड़ी पूरी खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब एक डब्बे में मुश्किल से 3 या 4 लोग होंगे। तो आइए चलते हैं वापस सीट पर, बैठते हैं, थोड़ा सा अपना बैगेज तैयार कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर जब मैं उतरूँगा तो उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपको बता दूं हम अपनी डेस्टिनेशन गोवा यानी वास्को डी गामा पहुंच चुके हैं। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगा भोपाल टू गोवा का, और जो गोवा का पूरा ब्लॉग होगा वो एक साथ नहीं आएगा, वो सीरीज़ में आएगा। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट गोवा देन डू वॉच माय सीरीज़। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।